नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग के डिसेंस चैनल पर। आज मैं आपको ये आसन बताऊंगी। ये देखिए, ये बारह कली का आसन है, ये बनाया है। इसको अभी मैंने सिला नहीं है, ये पूरा हो गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कली है इसमें। ये 12 कली का बनता है और आप कैसे भी कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। ये आपको मैं बताऊँगी शुरू से बना के। इसके अलग अलग फंदे डलते हैं, जो ये क्रीम कलर यूज किया है मैंने, इसके अलग फंदे डलेंगे और इसके अलग फंदे डलेंगे। वो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना लें। ये देखिए, ये झल्लर के लिए मैंने 9 फंदे डाले। जो वो झल्लर थी वो 9 फंदे की थी। पहले ये 9 फंदे बनाएंगे। फंदे अलग अलग डालते हैं दोनों, फिर इसको मिला लेते हैं एक ही सिलाई में। ये झल्लर के 9 फंदे थे। ये देखिए, ये 9 फंदे झल्लर के हैं, ये मैंने बना लिए। और ये मैंने 25 फंदे कली के लिए डाले। ये 25 फंदे, ये मैं छोटी बना के बता रही हूँ। जो मैंने आपको ये दिखाया है उसमें मैंने 60 फंदे का बनाया है। अब ये मैं इसी में बुन लूँगी। ये झल्लर मैंने ये क्रीम कलर से बुनी है और इसको जो कली बनानी है वो इसी से बुनेंगे। तो इसमें यहाँ अंटा दे के इसी में ये शामिल कर लेंगे एक ही में सिलाई में। ये दोनों तरफ से एक जैसा बनेंगे सीधा सीधा। यहाँ से ये अंटा देके जो झल्लर है यहाँ से हम ये क्रीम कलर ले लेंगे। ये हम एक फंदा सीधा लेंगे, ये फंदा सीधा ही रहेगा। और एक फंदा सीधा लेने के बाद ये धागा आगे करके एक जाली डालेंगे। एक मैंने सीधा लिया, एक जाली डाल दिए। बाकी के ये 7 फंदे बचे हैं, ये 9 फंदे की झल्लर थी, इनको हम उल्टा कर देंगे।
जो एक फंदा रह जाता है इसको हम एक तरफ से बुनेंगे, एक तरफ से उतार लेंगे। बाकी ये शुरुआत थी और ये फंदे कली के हो गए, ये झल्लर के हो गए, ये अलग अलग फंदे हो गए। अब हम इनमें से दो फंदे, ये सफ़ेद हर सलाई पे दो दो फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि ये नौ फंदे थे, ये दो फंदे फिर सफ़ेद से बनेंगे, सफ़ेद को इधर ले लिया करेंगे। ये दो फंदे में और बढ़े हुए, ये 11 फंदे हो गए, बाकी के हम इसी से बनेंगे। ये इधर भी दो फंदे हम ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे बार बार, जैसे हमने ये दो फंदे इधर बढ़ा लिए और इधर से ये दो में बिना बुने छोड़ देंगे, ऐसे ये कली बन जाएगी। यहाँ से ये बीच में गैप ना आए इस वजह से ऊन में ये इधर से अंटा डाल लेते हैं, और यहाँ से हम सफ़ेद छोड़ा है वहीं से सफ़ेद को फिर ले लेते हैं। ये दो बढ़ाए थे, ये झल्लर ये नौ की चलती रहेगी और इधर फंदे कली के बढ़ जाएंगे। इस पहले सब सीधा लिया था, ये सीधा ही लेगा और ये जाली पे ही जाली डलेगी, बार बार इसी पर जाली डलेगी, और जो जाली में फंदा बढ़ता है वो फंदे सीधे होते जाएंगे, यानी ये सीधे बनेंगे। जो सात फंदे उल्टे थे वो सात ही उल्टे रहेंगे, जो जाली का बढ़ा हुआ फंदा है वही सीधा होगा। ये इधर दो फंदे सफेद बढ़ा लिया करेंगे इधर आगे, ये पहले मैंने दो फंदे छोड़े थे, दो फिर छोड़ेंगे ऐसी बार बार, दो दो छोड़ेंगे इधर बिना बुने छोड़ेंगे, इधर दो दो इस सफ़ेद से ये क्रीम कलर जो मैंने लगाया इससे बनते जाएंगे, तभी कली बन जाएगी।
ये उल्टे मैंने 7 फंदे लिए थे, अब ये 7 सलाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। 7 के बाद इतने फंदे लेते हैं, उतनी सलाई बना लें, फिर अब ये 7 फंदे एक साथ घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक साथ घटा दिए मैंने, ये उल्टी सिलाई फिर ये निकाल लेंगे, देखिए ये कली बन गई है। अभी मैंने ये दो दो करके फंदे बढ़ाए और ऐसे ही हम दो दो करके ये कम करते चलेंगे, और ये जो ये सीधा फंदा है ये सीधा ही जब पूरा बने जब तक ये सीधा ही चलेगा, और जाली इसी पर डलेगी बार बार, ये मैंने सब जाली इसी पर डाली है, एक ही फंदे पे इसी सीधे पे ये जाली इसी पर डलेगी बार बार, जो जाली वाले फंदे जाली डलती गई है और मैं सीधे कटती गई, मुझे फंदे जो जाली डली है सीधे ये फिर से हो जाएंगे, जो बाकी के जो फंदे जी हैं इनको हम उल्टा कर देंगे, बाकी के 7 फंदे बचे जाते हैं उन्हें हम उल्टा करते जाएं, फिर से ऐसे ही 7 सलाई हो जाएंगे, फिर इनको एक साथ घटा देंगे, ऐसी ये जल्लर बन जाएगी। ये इधर से जब मैं ये जब कली ये बन रही थी, ये कली पूरी हो गई है, ये 25 फंदे थे, ये जब एक फंदा बच जाता है इसको बंद कर देते हैं, ये दो दो फंदे मैंने बढ़ाए थे, अब सफेद फंदे दो छोड़ देने हर सलाई पे, ये दो छोड़ दिए बिना उन्हें, फिर से ये घुमा ली, फिर इनको बनाए, अब कि दोबारा फिर से दो छोड़ देंगे, फिर ये दो छोड़ेंगे, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर दो दो करके ये सारे फंदे छूट जाएंगे, फिर यहाँ से जो दूसरा कलर हम जोड़ेंगे तो सारे फंदे छूट जाते हैं, या फरी तक यहाँ से दूसरा कलर जोड़ लेते हैं, इस कलर को हटा देंगे, सो ये ऐसी कली बनती चली जाएंगी। ये देखिए ये अब पूरी कली हो गई है, और ये झल्लर ये दो पीस बन गए, ये फिर से 7 हो गए, और इसको यही घटा देंगे, एक साथ घटाएंगे हम ये 7 फंदे, ये देखिए 7 फंदे घट गए। अब हमको ये दूसरा जब कलर लगाते हैं तब यहाँ से लगाएंगे, उल्टे फंदे हैं जिनको और सफ़ेद से बुनेंगे, ये झलर तो सफ़ेद से बुननी है, ये फरी तक जो इधर जी फरी है यहाँ जोड़ेंगे हम दूसरा कलर, ये देखिए पूरी कली हो गई है, इधर से सफेद थे हमने बढ़ाए और फिर दो दो करके घटाए, और ये भी पूरी हो गई, यहाँ ये इसी पे जाली डालते जाना है, अब ये फंदे उल्टे कर देने, यहाँ जाली डल जाएगी, तो ऐसे ही जी बनती जाएगी, जब हमें ये दूसरा कलर जोड़ना है कली के लिए तो ये कली पूरी हो जाती है, तो फिर यही जोड़ेंगे, ये उल्टी तरफ से एक ही तरफ से जोड़ें, जब दूसरी कली जोड़ते हैं तो फिर सारे फंदे एक बार पूरे बुन लेते हैं, फिर ऐसे ही दो दो करके जोड़ती, ये देखिए ये मैंने दूसरा कलर जोड़ लिया है, अब इसी तरीके से ये पूरी सिलाई एक बार उतार देंगे, और ये झल्लर यहाँ थे इसी में जो इसी तरह बनानी है जो मैंने बनाई है, ये दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे इधर से, और इधर से ये सफ़ेद बढ़ाते जाएंगे, तो कली इसी तरह पूरी हो जाएगी,
फिर ये करके फिर तीसरा कलर जोड़ लेना है। देखिए जी पूरा बन के ऐसा लग, ये देखिए ये मैंने 60 फंदे का बनाया है, ये भी मैंने जोड़ा नहीं है, ये यहाँ जॉइंट जॉइंट लगा देंगे इसमें, ये बहुत ही प्यारा आसन लगेगा, आसन थालपोश कुछ भी बना सकती हैं इसका। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।